और ये बाकी की आप पंजाबी चेक करें, मुंह इसका जो है वो गक्कड़ की तरह है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम मोहम्मद नवान एजाज है और हमने कोई वीडियो नहीं बनाई, काफ़ी दिन हो गया, सर्दियां भी आ चुकी हैं, तो ये सर्दियों की पहली वीडियो है। हम कुछ बिजी भी रहे हैं, मेरे दोस्त भी, उनके कुछ पेपर भी रहे हैं और मैं भी काम पे रहा हूँ। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं, ये दूर थोड़ा सा खड़े हैं जी, जी भाई, ये हैं खावर के भी भाई, इनको तो आप जानते हैं और ये इनको तो आप भूल ही ना सकते। हाँ, नहीं सकते, ये मतलब सरबागी है। तो इनसे पूछते हैं कि इनकी ये क्या मसरूफियात हैं आजकल जो हमने वीडियोस नहीं बनाई। जी खावर भाई, पहले आप बताएं। तो सबसे पहले तो ये बात है, सर्दियां आ चुकी थी और हमारा ना सर्दियों में कारोबार होता है, आपको पता ही है, जुराबें वगैरह हम बेचते हैं, तो इस वजह से मैं दुकान पे बिजी रहा। और बाकी साथ तो कॉलेज की भी ज़रा पढ़ाई जा रही थी और हमारे वॉलीबॉल के टूर्नामेंट भी हो रहे थे, कल भी हम माशाल्लाह जीत के आए हैं, तो इसलिए कुछ मसरूफियात थी, हम मतलब फ्री नहीं हो सके, वीडियो नहीं बना सके, अब इंशाल्लाह बनाएंगे। और अब मुदस्सर भाई भी बताएंगे कि वो कहाँ चढ़ते रहे हैं सर्दियों में, कहाँ मसरूफ थे मुदस्सर भाई? कहीं भी नहीं, बस सर्दियों की वजह से थोड़े मसरूफ थे कामों में, ये सीजन चल रहा है ना, मजदूरी करते हैं, हमारा और तो कोई बिजनेस है, सही है, सही है। तो कमार वगैरह ये कोई भी मजदूरी मिल जाती है तो करते हैं। सर्दियों में मेरे ख्याल में काम जरा कम ही होता है ना। हाँ, गर्मियों में धुंध वगैरह पड़ती है ना, तो इसकी वजह से। अच्छा गाइस, तो अब हम जा रहे हैं, हम एक सरैन सिबरा भाई हैं, उनके डेरे पे जा रहे हैं, वो उधर ना पट्टे वाड़ने गए हैं, तो उनसे भी मुलाकात करेंगे और दिखाएंगे कि वो किस तरह सर्दियों में मेहनत कर रहे हैं। आए चलते जी गाइस, तो हम वहाँ पहुँच आए हैं जहाँ पट्टे वाड़ रहे हैं सरैन भाई, और ये गाड़ी है, इस पे लेके जाना है कावर भाई, ऊपर बैठे हैं। लिमोज़ीन हसनैन जो है वो उधर पट्टे वाड़ रहा है। जी गाइस, मैं मुदस्सर भाई से ये पूछूंगा कि ये माल डंगर या जो पट्टे वगैरह होते हैं या ये जो खेतों को काम होता है, ये कितना सारा कर लेते हैं? जी भाई जी, मैं बहुत सारे काम कर लेता हूँ, पट्टे वाड़ लेता हूँ, मुंजी लगा लेता हूँ, मुंजी जम लेता हूँ, तो बहुत सारे काम कर लेता हूँ। कुछ बता दे। हाँ, वो भी काट कूट लेता हूँ, गंदम 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 भी गंदम। अच्छा। की भी कटाई अच्छी खासी कर लेता हूँ। अच्छा, खावर भाई तो मेरे ख्याल जीरो है। नहीं नहीं, जीरो नहीं, मैं यार कुतरा, अच्छा। कुतरा करवा लेता हूँ वो मशीन से। अच्छा, पट्टे बढ़ने का इतना नहीं पता। हाँ, कुतरा हमारे साथ करवाता था, वो भी इनसे ही सीखा था, वो स्किल भाई लोगों ने सिखाई थी, बाकी इतना काम मैं नहीं कर सकता। मैं भी तकरीबन कणक जो है वो वाड़ लेता हूँ, बहुत कर लेता है। जोकते ना, मैं बड़ा शरीफ बच्चा, मैं भी पट्टे वाड़ लेता हूँ, कुतरा भी कर लेता हूँ, गंदम भी, मुंजी भी, मैं भी ये तकरीबन कर लेता हूं। ये काम बड़ा मुश्किल। हाँ, है काम बहुत है। सर्दियों में तो ज्यादा मुश्किल होता है, सर्दियों में ज्यादा होती है, मौसम काफी खराब होता है, तो बिल्कुल बिल्कुल। जी गाइस, तो मैं स्नान के पास आया हूँ, स्नान है जो पट्टे वाड़ रहा है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्नान भाई पट्टे वाड़ रहे हैं। जी बताए, कैसा लग रहा है? जी अभी तो धूप निकल आई है, कोई मसला नहीं हो रहा, तो वैसे मुश्किल ही काम होता है, सर्दियों में मुश्किल होता है। हाँ, सर्दियों में सुबह सुबह जो है ना मुश्किल होती है। पढ़ाई सब की है, काम सब का। पढ़ाई भी मुश्किल है, लेकिन पढ़ाई जो है ना जिस्मानी काम नहीं होता, जी जी, ज़हनी काम होता है, तो इसलिए। नहीं नहीं, जो सुबह सुबह उठ के जाते हो सर्दी में, वो क्या आसान होता है उठ के जाना? नहीं, वो भी मुश्किल होता है, लेकिन ये थोड़ा सा काम जो है ना जिस्मानी होता है, तो वो ऐसे या भी ठंडी होती है, कभी कभी चले जाते हैं, लेकिन ये काम उससे मुश्किल होता है। लेकिन मुझे तो वो भी लगता है मुश्किल, सुबह सुबह जाना होता सर्दी में, वो भी मुश्किल ही है, ये तो चलो बंदा आराम से कर ही लेता है, थकावट वाला काम नहीं होता ना वो, तो ये वैसे एंजॉय वाला काम है, पढ़ाई ये वेले बंदे का काम है जो फ्री होता है, ये करता रहे। पहले तो आप आपके भाई आते थे, बहुत सी मजबूरियां होती हैं, पहले आपके भाई आते थे ना? हाँ, आज वो कहीं काम से गए तो मुझे आना पड़ा है। अच्छा अच्छा, हमारे साथ एक और दोस्त भी है, वो भी पट्टे वाड़ रहा है, ये समा Thank you.
जी गाइस, तो ये आप देख सकते हैं सर्दियों में खेतों के मनाजिर बहुत ही खूबसूरत हैं। तो हम ये आगे आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। ये साथ गंदम उगाई जा रही है और ये पट्टे हैं, तो बहुत ही ये चीकड़ है। बारिशें भी हुई हैं, तो एक दो दिन पहले बारिश हुई है, इस वजह से अभी चीकड़ शीकड़ है इधर, क्योंकि कच्चे रास्ते हैं मट्टी वाले और खोबा बना हुआ है, बंदा गिर शिर भी जाता है, पैर खुबते हैं। और ये बाग की आप पंजाबी चेक करें, मुंह इसका जो है वो गक्कड़ की तरह है। राम से राम से। ये देखें आप इसका व्यू, माशाल्लाह। वो दूर धुंध नजर आ रही है, दूर दूर नेड़े नेड़े अब ना उजाला हो चुका है। बस तो हमने पट्टे बना लिया है, काम खत्म कर लिया है। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना है और लाख मोर स्टार्स को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलेंगे नई वीडियो साथ, तब तक अल्लाह।